डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र के चटका क्षेत्र अंतर्गत जुआ फड़ चलने की खबर की जानकारी के बाद मोरवा पुलिस हरकत में आ गई और कई जगह छापेमार कार्यवाही की गई। वायरल हुए वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने तत्काल टीमें गठित कर चटका, चंद्रपुर, झिंगुरदा, कठास, पेकताली आदि ग्रामीण क्षेत्रों के संभावित ठिकानों के साथ हनुमान मंदिर के पास के जंगलों में भी छापेमारी कर जुआफड़ की पड़ताल की गई। सोशल प्लेटफॉर्म पर चली खबर को गंभीरता से लेते हुए घंटों की पड़ताल के बाद मोरवा पुलिस द्वारा क्षेत्र में जुआफड़ की खबर पूरी तरह भ्रामक एवं तथ्यहीन पाई गई। इस दौरान कई ग्रामीणों से बात करके भी जुआ के विषय में जानकारी जुटाई गई, जहां लोगों ने इसे सिर से नकार दिया। मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो से यह कहीं साबित नहीं हो रहा है कि यह वीडियो कब का है और कहां का है, अतः उन्होंने इस प्रकार तथ्यहीन और निराधार खबरें प्रकाशित कर भ्रमित करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने आम जनमानस एवं पत्रकारों से आशा की है कि जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए किसी भी अपराध या लोगों द्वारा गैर सामाजिक गतिविधियों की जानकारी तत्काल मोरवा थाना या उनके मोबाइल नंबर पर दे, ताकि तत्काल आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए मोरवा थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नंबर जारी किया है कि घटना की सूचना तत्काल उनके नंबर 7049860000 पर सूचित करें या इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना दें। सुना है झिंगुरदा में जुआ होती है क्या? हां झिंगुरदा नहीं रहते सर। सुने हैं क्या? नहीं हम सुने ना, हम तो गाड़ी चलाते हैं। अच्छा आप कहाँ के हो? चटका। क्या नाम है तुम्हारा? विजय कुमार सेवा। यहाँ सुने हैं चटका में कहीं जुआ होती है? हमको नहीं पता। नहीं होती? हमको नहीं पता, नहीं होती है, हम ड्यूटी चल जाते हैं दिन में। चटका यहाँ सुना कहीं जुआ हुआ होती है क्या? नहीं होती है। हैं? नहीं होती। कोई जानकारी है आपको यहाँ जुए की? नहीं मालूम। हैं? नहीं मालूम। आप बताइए यहाँ जुआ हुआ होता है कहीं? हैं? कहीं जानकारी है? आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? चटकाई के। सुनते हैं झिंगुरदा में कहीं जुआ हुआ होती है क्या? सुन नहीं। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।